ये गर्मा गर्म पूड़ी और ये हमारी प्लेट पे भी है java.42.tiger। जो हमारा मीटिंग पॉइंट था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और सब लोग आ चुके हैं। चलिए आपसे मिलवाते हैं सबको। अनूप सर, आदि सर, अभिषेक सर, ये इनको तो आप जानते होंगे, कृष्ण सर, और ये हमारे बत्रा जी, अनिकेत, ऋतिक भाई, समीर भाई, चाय चाय, और भाई हमारे सागर भाई, और वो एक हमारे बड़े भैया। ये चाय अब पियेंगे, गरम गरम चाय, ठंड में बढ़िया चाय बनाई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गढ़गंगा और कृष्ण सर हमारे साथ है। कैसा लग रहा है कृष्ण सर? बहुत अच्छा लग रहा है अभी, और सभी राइडरों के साथ। हम लोग अभी ब्रिज घाट में हैं। ब्रिज घाट में अभी हम लोग पहले राजू के दुकान पे जाके देसी शुद्ध देसी घी का पूड़ी, आलू पूड़ी की सब्जी खाएंगे, उसके बाद फिर हम गंगा नहाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, जैसा कि कृष्ण भाई ने बताया था हम सबको, तो आए हैं राजू मिष्ठान भंडार जो कि ब्रिज घाट हापुड़ में है, और इनके यहाँ देसी घी से निर्मित गरम गरम जलेबी मिलती है। और बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है इनके यहाँ पे। ले आ चुकी हैं प्लेटें और चम्मच, और ये आया है रायता, और हमारे सामने बैठे हैं अनूप सर, ये हमारे डॉक्टर साहब, और वो कृष्ण सर जिन्होंने टैग बनवाए थे, सबको टैग दे रहे हैं। और ये पड़ी है हमारी एसेसरीज, और ये आ गई आलू की सब्जी, सीताफल है, ये आ गई है गर्मा गर्म पूड़ी, और ये हमारी प्लेट में भी आ गई है, और अनूप सर के पास भी। तो हमारे सागर भाई और बत्रा जी ने स्टार्ट कर दिया है अपना ब्रेकफास्ट, और सर ने भी और भाई ने भी। तो कैसा बना है बत्रा जी? ऑसम यार, ये करारी पूड़ी है। समीर भाई कैसा स्वाद है? भाई बस चका हुआ, चका नहीं है। सर कैसा स्वाद है? सुपर। भाई कैसा लगा ब्रेकफास्ट? एक्सीलेंट, बढ़िया यार, बढ़िया एकदम। कृष्ण सर कैसा लगा? शुद्ध देसी घी, एकदम बढ़िया, बंदा बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आपको कैसा लगा? कैसा लगा सर ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट। कैसा टेस्ट लग रहा है पूड़ी और सब्जी का? बहुत मस्त, मतलब दिल्ली से आना वर्थ है, बहुत बढ़िया है। और अभी सब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हो चुका है ब्रेकफास्ट डन, और अब हम पियेंगे इसके बाद चाय, और सब वेट कर रहे हैं अपनी अपनी चाय का। और जहाँ पे जो हमने ब्रेकफास्ट किया है बहुत ही अच्छा और ऑसम टेस्ट था, यहाँ का मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करने में। यहाँ पे वेट कर रहे हैं शॉप के बाहर चाय आने का, जैसे ही चाय आएगी फिर सब पियेंगे चाय, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम आए हैं ब्रिज घाट, वहाँ पर हमारे जो कृष्ण सर है और भी जो टीम मेम्बर्स हैं हमारे, जिनको इनको स्नान करना है वो स्नान करेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ हम जाते हैं यहाँ से। और जहाँ भी जाएंगे आपको साथ साथ सब कुछ दिखाएंगे, सो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में, और आपको दर्शन कराता हूँ ब्रिज घाट के। फाइनली कर लिए दर्शन और कर लिया ब्रेकफास्ट, अब सब निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि हम कौन से रूट से जाएंगे और कैसे जाएंगे और रास्ते में क्या क्या करेंगे, साथ साथ आपको सब दिखाएंगे। बिल्कुल, तो बने रहिएगा। मेरा चैनल है, प्लीज इसको भी फॉलो करें, जोर से। इंस्टा पर है java.42.rider, प्लीज भी फॉलो करें। रुके थे पेट्रोल भराने के लिए, और ये कुछ भाई लोग हमसे मिलने आए हैं और हमारी बाइक्स को देख रहे हैं। मज़ा आ रहा है इस राइड पे आ रहे थे, और रास्ते में मिल चुका है हमें जाम, बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ पे हाईवे पे, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, उसके गेट पे लगा हुआ है, और हम तो बाइक पे हैं, साइड से निकाल ले रहे हैं, लेकिन बहुत गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पे, तो ये जाम घुसता है, और फिर हम वापस ट्रेन रोड पे आते हैं, यहाँ पे हमें जाम नहीं मिलता है। मेरे को लग रहा है
यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन की वजह से जाम लगा। फाइनली राइड करके आने के बाद फिर मैं सो गया था और अब सो के उठा हूँ और बहुत अच्छी राइड रही और बहुत मज़ा आया हमें इस राइड पे। और इस वीडियो में आपने देखा ही होगा हमने कितना इन्जॉय किया है, और ऐसे ही आगे आप सबके लिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाता रहूँगा। और आप सबको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मेरे 950 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और रिमेनिंग 50 रह गए हैं 1K होने में। तो जैसे ही 1K होगा सून गिव अवे करूँगा और आप सबको उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। और अगर किसी ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टा पे सबसे पहले अपडेट्स आती हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और मैं 2-3 आईडी और हैं जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, आदि भाई, कृष्ण सर एंड हमारे मेराकी राइडर्स का जो ग्रुप है, उनकी आईडी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उनको भी आप सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाते रहते हैं राइड को लेकर। और बस यही, और मार्च में बन रहा है प्लान लॉन्ग राइड का, 3-4 दिन की राइड रहेगी वो। सो देखते हैं कब निकलते हैं मार्च में। जगह फाइनल हो चुकी है, दिन फाइनल हो चुका है, कौन से दिन जाना है, वीकेंड में ही जा सकते हैं, लेकिन अभी डेट्स नहीं फाइनल है। जैसे ही डेट्स फाइनल होती है मैं आप सबको बता दूंगा कि कौन सी डेट्स को हम लोग निकल रहे हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि आप इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे सबसे पहले अपडेट आती रहती है मेरी। और चलिए मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर फैमिली।